सर आप अपनी डाइट में हमेशा पत्तों का यूज करते हैं, कषाय का यूज करते हैं, तो ये जो आप कषाय का यस यूज करते काश हैं, काढ़ा। काढ़ा जो होता है, तो आप अपनी डाइट में हमेशा 5 और 6 पत्ते खाने के लिए बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शहर में कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनका मिलना आसान नहीं होता, इजी नहीं होता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमें पत्ते ना मिले तो क्या हम उनका अर्क मार्केट से ले सकते हैं, या पाउडर शेप में क्या उनको खाया जा हाँ सकता है? तो आ, 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 नहीं, हमार को ताजा पत्तों से भी काढ़ा बनना है। अच्छा हम काढ़ा पीने के बोलते हैं, खाने के नहीं है। ओके, काढ़ा हाँ का बहुत वैज्ञानिक विशेष, वाटर सॉल्युबल मटेरियल ही लेना है। ओके कुछ पत्तों में हमको सही वातावरण नहीं मिलता है। लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स कैन हार्म यू, कैन हार्म यू। यस सो यस वाटर सॉल्युबल थिंग्स इन वाटर, एनीथिंग दैट इज सॉल्युबल इन वाटर विल नॉट हार्म एनी वन इन नेचर। इन नेचर ऑफ कोर्स पोटेशियम साइनाइड इज वाटर सॉल्युबल, इट इज डेंजरस फॉर यस यू, यस 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 बट इन नेचर, हाँ इन नेचर पत्ते को हम उबालने से क्या क्या पानी में आ जाता है वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है आपके लिए। ऐसा ऑफकोर्स ही गीला है, आप खिलाने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गिलाए पत्ते को आप उबाल के वो पानी पीने से 2 महीने का बच्चे से 100 साल बुढ़ापा आदमी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके okay. वैज्ञानिक कारण यही है, पानी में सॉल्युबल गिलाने का वो तो सब कुछ सर जैसे हमको। इनका जैसे पाउडर आता है, जैसे गिलोय का पाउडर आता है, तो क्या हम उसको उबाल के नहीं पी सकते क्या? हाँ वो तो 50% काम चलता है, 30-40% चलता है, फाइन फाइन फाइन, हाँ ठीक है, समझ गया सर। और सर अगर कोई बट ऑल पीपल इन द सिटीज कैन गो टू नर्सरी एंड ब्रिंग एंड ग्रो देयर प्लांट्स इन देयर हाउस, नो प्रॉब्लम। आपको 4 पत्ते चाहिए बस इतना ही। सर जैसे आपकी डाइट में आपने कषाय बताया कि आपको ये कषाय लेना है, तो उसको कषाय कितने महीने तक लेना है? सपोज किसी को थायराइड है और आपने बताया कि ये कषाय लेना है, तो वो कितने महीने तक लेना है? 3 मंथ 4 मंथ हम 5 मंथ? हर हर प्रोटोकॉल में 6 5 6 पत्ते बताते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो लेना लिखने के बाद 1 हफ्ते, 5 हफ्ते में 4 5 पत्ते बोल रहे हैं ना। सो हाँ आप पीसीओडी हाँ थायराइड के लिए हाँ 4 पत्ते बढ़ गए। सो यू टेक गिलाय, यू टेक पारिजात, यू टेक पीपल, 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते रोटेशन में रोटेशन आप में छह लेना है। महीने से हाँ एक ही पत्ता का काढ़ा आप नहीं पीना है, ये रोटेशन में होना है। नहीं सो रोटेशन, डाइवर्सिटी मेंटेन करना है। नहीं रोटेशन हाँ रोटेशन में होना है, लेकिन सर वो कितने महीने तक करना है? 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ? ओ या यू कैन गो अप टू 1 ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, वी कैन गो अप टू 1 ईयर, वन ईयर वी कैन उसके गो। बाद और कुछ ग्रुप का आप पत्ते ले सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, चेंज करते ही रहना है। ओके चेंज करते रहना है। तो सर वी शुड टेक टेक इट फॉर 1 ईयर, और वी विल हैव टू? नो 1 ईयर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कुछ लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने में 3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाता है, वो चेंज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल नहीं आपको फॉलो करना है, यू कैन चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, वी कैन चेंज। सब कुछ लोगों को 6 महीने लगता है, कुछ लोगों को 1 बरस भी लग जाता है। ओके ओके ओके, एक ठीक प्रोटोकॉल में आपको पीसीओडी है, हाँ उसको आपको बीमारी तुम्हारा शरीर से जाने के लिए कुछ लोगों को 3 महीने बच जाता है, कुछ लोगों को 6 महीने लग जाता है, कुछ लोगों को 1 बरस भी लग जाता है। सो इसके आपको वो प्रोटोकॉल करना ही पड़ता तो मतलब पेशेंट को खुद ही देखना है कि अगर पेशेंट को आराम हो रहा है 3 महीने में। है। हाँ अच्छा यस यस, यस सर, ये डायबिटीज लोग
सब लोग 3 महीने में ऑलमोस्ट 95% पीपल आर गेटिंग बेटर, यस यस यस, 3 months देन देर बहुत इज नो अच्छा। मेडिसिन। आप मिलेट्स खाने में सब कुछ काढ़ा पी सकते हैं। तो अब तो आप सब लोग सप्तपत्र कषाय पी लेना, ये कोरोना का हंगामा चल रहा है हाँ ना। चल रहा है। तो सर अगर ये आपने जैसे 5 और 6 पत्ता बताया कि पीना है कषाय, अगर वो 5 6 में से अगर मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 4 या पूरे जैसे सारे नहीं मिलते हैं, तो क्या अगर 3 और 4 होते हैं तो भी काम पूरे होगा? जैसे 3 तो मिनिमम है, अच्छा तीन तो थ्री मिनिमम मिलना है अच्छा आपको। 3 मिनिमम है, ठीक है ठीक है, फाइन सर।